वेलकम डेअर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन सो वॉट इज़ मैंट बाई द सेक्स डिटर्मिनेशन इट मीन्स टू नो द सेक्स ऑफ अ पर्सन और अ सेक्स और यानी कि हमारा जो बेबी होने वाला है वो मेल है या फीमेल है चाहे हम ह्यूमस की बात करें इंसेक्ट्स की बात करें या फिर बर्ड्स की बात करें किसी भी लिविंग बीइंग का डिटरमिन करना दैट वो मेल होगा या फीमेल होगा पता करना कि मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है उसे बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बात करेंगे हिस्ट्री में जाएंगे जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम भी एंड इसे हम इसे सबसे पहले जिसने देखा था उसका नाम था हैंकिंग हैंकिंग एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले देखा था नोटिस किया था दैट एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर उसी ने सबसे पहले किया था तो उसने क्या देखा था जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था वो वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था इंसेक्ट्स पे और उसने देखा था जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स जब सेक्स सेल्स बन रहे थे किसमें एक इंसेक्ट में तो उसने वहाँ पे देखा कि जो उसके मेल्स थे इंसेक्ट मिसपमेटोजेनिस तो मेल्स में ही होगा ना तो उनमें फिफ्टी परसेंट आ रहा था ये आ, जो क्रोमोजोम है उनने रिसीव किया था फिफ्टी परसेंट ही तो उसने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया एक्स बॉडी ठीक है बट वो पूरा बोल नहीं पाया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये क्रोमोजोम होता क्या है सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया सो दिस वॉज लिटल बट अबाउट द हिस्ट्री नाव विल कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं ऑटोज़ोम्स होते हैं और हमारे पास सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं या तो वो एक्स एक्स हो सकता है या तो वो एक्स वाई हो सकता है अगर हमारे पास एक्स एक्स है तो वो वो इंडिविजुअल फीमेल है अगर हमारे पास एक्स वाई है तो वो इंडिविजुअल मेल है ये पॉइंट्स आप याद रखिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिन करेंगे ह्यूमंस का सेक्स बर्ड्स का इंसेक्ट्स का ड्रोसोफिला का थैंक यू